दोस्तों सिंघम अगेन की एक डे 15 के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस के बारे में बात करने वाला हूं। मैं जानता हूं 3 दिन से मैंने आपको प्रॉपर अपडेट नहीं दी है, तो वो अपडेट्स भी मैं आपको दूंगा। बेहद माफी चाहता हूं, व्यस्त शेड्यूल की वजह से मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर पाया था कुछ दिनों से, लेकिन मेरे पास वक्त है और आज काफी चीजें आपको बताने वाला हूं। आपके पेशेंस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यार देने के लिए। और 10 दिन तक का ऑफिशियल रिलेशंस मैं आपको बता चुका हूं, 225.30 करोड़। 11 दिन फिल्म में किसी भी हाल में 5.5 करोड़ की कमाई की है, उसके अलावा 6 करोड़ की कमाई की है, और उसके अलावा फिल्म ने 12वें दिन यानी कि जो इसका कौन सा दिन था, ट्यूसडे का दिन, उस दिन इस फिल्म में 4 करोड़ की कमाई की है। उसके अलावा फिल्म ने जो बुधवार को जो 13th डे था, उस दिन 3.50 करोड़ की कम से कम कमाई की है, यानी कि 238.85 करोड़ इसका कब तक का हुआ है, 13 दिन तक का। और कल फिल्म ने किसी भी हाल में 3 करोड़ की कमाई की है। ऐसे फिल्म का टोटल 241.85 करोड़ होता हुआ नजर आ चुका है कल तक का किसी भी हाल में। आज ये फिल्म तकरीबन 2 से 3 करोड़ की कमाई करेगी, क्योंकि 3rd वीक का ये फ्राइडे कलेक्शन डाउन होगा, नई फिल्में हैं, उसका असर भूल भुलैया 3 पे उतना नहीं पड़ेगा जितना सिंघम अगेन के पे पड़ेगा, लेकिन वो फिल्में भी कितनी चलेंगी उसके ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि एक हिंदी फिल्म है साबरमती रिपोर्ट, उसका कोई बस फिलहाल नहीं है। और जहां तक बात करते हैं दूसरी फिल्म ग्लैडिएटर का, उसके पास लिमिटेड स्क्रीन है, उसके पास भी अच्छी खासी स्क्रीन है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा मार्केट टूटेगा, सिंघम अगेन मार्केट थोड़ा बहुत टूटेगा ड्यू टू न्यू रिलीजेस। और 2 से 3 करोड़ अगर ये फिल्म कमाती है आज, तो फिल्म का टोटल हो जाएगा 243.85 करोड़ से 244.85 करोड़। और मोटा मोटा चांसेस ऐसा लग रहा है कि ये वीकेंड खत्म होते होते 250 करोड़ फ्री ऐप में, या मतलब फिल्म अपना बजट जरूर निकाल लेगी दोस्तों, ये बात तय है दोस्तों। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, बट एक चीज जरूर है कि मेकर्स ऑफ सिंघम अगेन वुड नॉट बी हैप्पी विद द काइंड ऑफ कलेक्शन दिस फिल्म इज गार्नरिंग। और एक चीज साफ आप लोग भी समझ चुके होंगे इतने दिनों में की भूल भुलैया 3 ने आकर बैंड बजा दी है सिंघम अगेन की, और ये मैं ओपनली बोल रहा हूं बिकॉज दैट इज विजिबल एट द बॉक्स ऑफिस एंड यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट भूल भुलैया 3 इज परफॉर्मिंग बेटर देन सिंघम अगेन, बट स्टिल सिंघम अगेन स्टिल होल्डिंग इट्स रूट्स एंड इट्स अ गुड फिल्म आई मस्ट से, इट्स नॉट एट ऑल ए बैड फिल्म। एक बार आप देख सकते हैं इतना तो है, इतनी तो ठीक ही है, बट यस सिंघम से हम बहुत बढ़िया उम्मीद कर रहे थे, वो उम्मीद पर खरी नहीं उतरी है कहीं ना कहीं, ऐसा पब्लिक का कहना है। दो आई एंजॉय द फिल्म बट आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस हैव गिवन मिक्स रिव्यूज एंड दैट इज विजिबल, बट ये है कि भूल भुलैया 3 से अच्छे रिव्यूज इसे मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक भूल भुलैया 3 को ज्यादा देख रही है। अभी क्यों देख रही है इसका आंसर मेरे पास नहीं है। अभी क्या है दोस्तों, जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।